एक बहुत ही सुंदर कथन है कि बहादुर वो इंसान होता है जो क्षमा मांग भी ले और जो क्षमा कर भी सकता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ और उन क्लासेस में काफ़ी सारे लोग पूरे पैन इंडिया और वर्ल्ड वाइड से आते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने आने वाले जीवन को या प्रेजेंट को बहुत ही खुशी खुशी और शांति से हल्के होकर व्यतीत किया जाए। आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में जरूर मिलेगा, अंत तक बने रहे। स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ और ये रियल स्टोरी है। एक हस्बैंड वाइफ, बहुत ही अमीर हस्बैंड जो था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। 10 साल की शादी के बाद उनके घर में एक लल्ला होता है, बच्चा। लेकिन बच्चा बीमार ही पैदा होता है, जैसे तैसे उसका इलाज वो लोग करवाते हैं, इलाज करवाने में ही काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा कोशिश किया तो हुआ नहीं, तो गोद में एक ही बच्चा मिला, तो इसको इसके इलाज में सारे पैसे ये लोग लगा देते हैं और बच्चे की उम्र बढ़कर हो जाती है करीबन 21 साल। और 21 साल में बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है, घर में तो सब कुछ बिक चुका था, ज्वेलरी घर भी बेच दिया था और ये लोग रेंट पर रह रहे थे, जैसे तैसे इलाज कर रहे थे, लेकिन बच्चे की जो जो हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बच्चे का डेथ हो जाता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते, बहुत ज़्यादा रो रो के ये बोल रहे होते कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। एक तो भगवान ने दिया भी तो 10 साल के बाद एक बच्चा दिया और वो बच्चा बीमार पैदा हुआ, उस बच्चे के इलाज में सब कुछ बिक गया, बिजनेस भी पूरा बैंकरप्ट हो गए ये लोग, मतलब बिजनेस भी दूसरे को देना पड़ा और घर भी बेच दिया, ज्वेलरी कार वार सब बेच दी, बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब कि यहाँ मंदिर वहाँ मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे थे, लेकिन क्यों नहीं बच्चा बच पाया। भगवान को बोलते हैं कि देना ही था तो अच्छा बच्चा देते, अगर ऐसा बच्चा दिया तो फिर क्यों दिया, अगर लेना ही था तो क्यों दिया। जब पास्ट लाइफ रिक्रिएशन में जाते हैं तब पता चलता है कि पिछले जन्म में जो ये हस्बैंड होता है, हस्बैंड और जो अभी इस जन्म में बच्चा होता है जिसकी डेथ हो जाती है, वो दोनों एक बिजनेस पार्टनर थे, एक बिजनेस को चला रहे थे। जब ये देखता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब अभी जो पिता है वो देख रहा था कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बिजनेस में 50% मतलब जा रहा है इस इनके दोस्त को, तो ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके मार देते हैं, यानी कि धोखा देकर मार देते हैं कि वो 50% क्यों देना, क्यों ना वो 50% मेरे हिस्से में आ जाए, तो उसको जहर देकर वो मार देते हैं। तो कर्मा लौट कर आया, जब तक एक पाई पाई तक ना चला गया इस बिजनेसमैन का तब तक वो बच्चा जीवित था। सोचिए, एक लाइलाज बीमारी, बचपन में ही क्यों नहीं डेथ हो गया, बचपन में ही उसका डेथ हो सकता था। लेकिन इतना उम्र होने के बाद, 21 साल की उम्र होने के बाद बच्चे का डेथ क्यों हुआ, एक पाई पाई का हिसाब रखता है वो परमात्मा। पूरा बैलेंस शीट जब नील हो जाता है तब उसके बाद कर्मा कटता है। एक और स्टोरी सुनाती हूँ, रियल स्टोरी। एक लड़का, उसके सर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, नव नव युवक होता है, मतलब कि एकदम 18 ईयर्स 19 ईयर्स का लड़का होता है, उसके सर में हमेशा एक अजीब सा दर्द रहता है, ना तो उसको माइग्रेन था ना तो कुछ था, और उसको लड़कियों से बहुत डर लगता था। पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है, तो पिछले जन्म में ये जो लड़का था, ये प्रोस्टिट्यूट जो चलाते हैं, वो क्या करता था, लड़कियों को पकड़ पकड़ के लेकर आता था और खूब मारता था, प्रताड़ित करता था, बहुत सारी लड़कियों को पकड़ के लेकर आना अलग अलग स्टेट से और प्रताड़ित करना और उससे गलत काम, उन लोगों से गलत काम करवाना। एक दिन लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और सारी लड़कियों ने प्लानिंग किया, उस लड़के को पकड़ के लेके जाते हैं छत पर, बहुत ही ऊँचे ऊँचे मकान पे लेके जाते हैं और वहाँ से सर के बल नीचे की तरफ फेंक देते हैं। तो सर के बल जब ये गिरता है नीचे की तरफ तो सर में बहुत अंदरूनी चोट लग जाती है और इमीडिएट उसका डेथ हो जाता है। इसी वजह से इस जन्म में उसके सर में बहुत दर्द रहता है और उसको लड़कियों से बहुत डर लगता है।
मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है, जिसमें हम इस जन्म में जो भी लोग हमको प्रताड़ित कर रहे होते हैं, इस जन्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त, जो कि हमको प्रताड़ित करते हैं, और वो हमारे शिक्षक ही है, हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वो हमारे शिक्षक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके उनको मेडिटेशन में उनकी आत्मा को, जैसे कि जो भी हायर सेल्फ होता है उसको बुलाकर, और हम उनको माफ़ कर देते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, पिछले जन्म में मैंने तुमको प्रताड़ित किया था, इसलिए तुम इस जन्म में मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। पिछले जन्म में हमने ही दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम इस जन्म में आना, मुझे जब तक मैं अपना लाइफ लेसन लर्न ना कर लूँ तब तक तुम मुझे प्रताड़ित करना, और तुम मुझे सिखा रहे हो, बहुत सारी लेसन्स दे रहे हो, और हम उसको माफ़ कर देते हैं कि चलो तुमने अपनी सद्बुद्धि से, सद्बुद्धि परिस्थिति को देखते हुए जो भी किया वो मेरे भले के लिए किया, मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ। लेकिन मैं संडे को जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन लेकर आ रही हूँ, ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन डिफरेंट है। हमने अभी तक माफ़ किया उन सभी लोगों को जो करंट लाइफ में हमको जाने अनजाने में बहुत दुख दिए, और हम उनको माफ़ करते हैं कि तुमने अपनी सूझबूझ से जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम आओगे मेरी लाइफ में और तुम मुझे लाइफ लेसन को सिखा रहे, है ना, तो हम उनको माफ़ करते हैं। लेकिन जो संडे को सुबह 4 बजे मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन लेकर आ रही हूँ, उसमें हम उन सभी लोगों से माफ़ी मांगेंगे जिनको हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिनके साथ इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में जिनके साथ हमने कुछ गलत किया है, उन सभी को बुलाकर हम माफ़ी मांगेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि माफ़ी मांगने के बाद आपका कर्मा कट जाएगा, कर्मा इतनी जल्दी नहीं कटेगा। अगर कृष्ण जी का कर्मा नहीं कटा, अगर दशरथ जी का कर्मा नहीं कटा, तो कैसे हो सकता है, है ना। कर्मा तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़े हल्के तो हो जाएंगे। अगर अपने अपना बोझ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि बोझ के साथ आगे का सफ़र नहीं तय किया जा सकता, स्पीड कम हो जाएगी, अपने सर के ऊपर से बोझ को हटाना चाहते हैं। हमको नहीं पता है कि हमने पिछले जन्म में किसके साथ क्या किया था, क्योंकि ये सारा डाटा जो होता है फॉर्मेट होकर आता है, जैसे एक मोबाइल जो फॉर्मेट हो जाता है ना, उसके अंदर कुछ भी सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं रहता है, वैसे ही ये डाटा पिछले जन्म से जब हम आते हैं तो पूरा फॉर्मेट होकर आता है। हमको कुछ नहीं पता कि इस जन्म में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ सही, सबके साथ सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों गलत हो रहा है, मुझे पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पिछले कोई जन्म में हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं जिसका भुगतान हमको अभी भुगतना पड़ रहा है, तो हम मेडिटेशन के द्वारा माफ़ी मांगेंगे उन सभी लोगों से, उन सभी परिस्थितियों से। तो संडे सुबह 4 बजे फॉरगिवनेस मेडिटेशन होने जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आइए, माफ़ीनामा हम लिखेंगे और माफ़ करेंगे, मतलब माफ़ी मांगेंगे सबसे, है ना, हल्के हो जाएंगे थोड़े। चलिए मिलते हैं सुबह 4 बजे संडे को। थैंक यू, विश यू वेल्थ।